So I was telling, first we'll discuss the body of the story, then I'll explain projective psych test kya hota hai, theek hai? So remember one thing, what happens generally is whenever we face any situation in our life, our mind and body generates a response. ठीक है, कोई भी सिचुएशन फेस किया, अक्षय बैठा है, अक्षय को प्यास लगेगा, वो पानी पिएगा. सिचुएशन इज थर्स्ट, रिस्पॉन्स इज ड्रिंकिंग वॉटर. ठीक है, सो नाउ व्हाट हैपेंस इज एवरी स्टिम्युलस और एवरी पिक्चर दैट इज शोन टू यू इज अ सिचुएशन. ये पिक्चर क्या है? ये एक सिचुएशन है. ठीक है, और जो स्टोरी तुम लिखते हो वो सिचुएशन के रिस्पॉन्स में तुम्हारा थॉट्स है. आई रिपीट, जो पिक्चर वैट या एसआरटी तुम्हें दिया जाता है, दैट इज योर सिचुएशन. ओके, एंड द वे यू रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन इज योर स्टोरी और द काइंड ऑफ थॉट्स दैट यू टेंड टू हैव. ओके, अब तुम लोग सब लोगों को पता होगा कि हमारे थॉट्स तीन तरह के होते हैं, पास्ट के होते हैं, प्रेजेंट के होते हैं, फ्यूचर के होते हैं. ठीक है, इफ आई थिंक टू मच अबाउट माय पास्ट, what does it tell about me? That I am not happy with my present. I might be stuck in some past guilt ya past achievement mein log fase hote hain na, ki main bachpan mein raja tha, ab raja nahi raha, main bachpan mein 30 pushups kar leta tha, ab nahi kar pata. So they are constantly comparing themselves with their past and as a result they are not happy, hai na? So agar tum apni story mein bahut hi zyada past likhte ho, तो व्हाट डज इट टेल अबाउट यू कि तुम पास्ट में ही फंसे हुए हो. यू आर अनहैप्पी इन योर प्रेजेंट, दैट मींस यू आर नॉट एबल टू हैंडल द स्ट्रेस, है ना सूरज? कौन सोचता है पास्ट के बारे में बहुत ज्यादा? जो पास्ट में ही अटका रहता है. तो तुम लोगों को अपनी स्टोरी की पास्ट के बारे में ज्यादा नहीं लिखना है, है ना? फिर अगर हम लोग फ्यूचर की बात, अब अगर बताओ कि इफ आई एम ऑलवेज थिंकिंग अबाउट माई फ्यूचर, तो व्हाट विल इट टेल अबाउट मी? इट विल टेल two things about me. Okay, the first thing that it will tell is that I am very anxious about my future, hai na? Later if time is there, remind me, I will tell you why anxiety happens. It's a very simple thing, it only happens because of two factors. And then the second thing is I can be a wishful person. Wishful person ka matlab kya hota hai? Jaise ki maan lo कि जैसे कि आई थिंक आई एम अ लिटिल विशफुल इन सम कॉन्टेक्स्ट. एवरी डे आई विल टेल माय पेरेंट्स दैट फ्रॉम टुमारो आई एम गोइंग टू फॉलो फ्रूट्स डाइट, बट अगले दिन ही सुबह उठ के आई विल नॉट ईट फ्रूट्स. फ्रूट्स कोई काट कर दे देगा तो भी आई विल नॉट ईट. एंड आई इवन हैव वन मोर टॉक्सिक हैबिट, आई विल मेक वेरी गुड सैलड एंड हेल्दी फूड, फिर वो दूसरों को खिलाकर आई विल ऑर्डर पिज्जा एंड मीट. आई डोंट नो व्हाई बट आई विल नॉट ईट दैट. तो फिर उसके बाद इफ आई एम थिंकिंग कि मेरा वेट घट गया बिना हिले खा खाकर, तो दैट इज व्हाट, दैट इज अ विशफुल नेचर, है ना? तो जब बहुत ज्यादा फ्यूचर की बातें करते हैं या फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं, तो इट शोज दैट आइदर वी आर एंग्शियस और वी आर विशफुल. ओके, तो तुम्हें फ्यूचर के बारे में भी बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, ना पास्ट के बारे में लिखना है, ना फ्यूचर के बारे में लिखना है, प्रेजेंट के बारे में लिखना है. तुम लोगों को जब भी बहुत ज्यादा थॉट्स आने लगे पास्ट और फ्यूचर के बारे में, तो अपने माइंड को बार बार बोला करो कि दिस इज नॉट रियल, दिस इज नॉट देयर, फोकस ऑन दी प्रेजेंट. बार बार अपने माइंड को बोलोगे तो ऑटोमेटिकली योर माइंड विल स्टार्ट गेटिंग ग्राउंडेड इन दी प्रेजेंट. ओके, तो स्टोरी में क्या याद रखोगे कि पास्ट के बारे में ज्यादा नहीं बताना है, फ्यूचर के बारे में ज्यादा नहीं बताना है. स्टोरी समवेयर मिडल में आएगी, ठीक है? बट आई एम गोइंग टू टीच यू ऑल स्टोरी राइटिंग इन अ लिटिल डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है? जब तुम अपनी स्टोरी राइटिंग करते हो तो तुम्हारी स्टोरी में चार चीजें आती हैं, ठीक है? द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन योर स्टोरी इज योर हीरो. ओके, आई विल एक्सप्लेन द इंडिविजुअल सेक्शंस एंड सर्टेन रूल्स टू यू ऑल लेटर, लेकिन सबसे पहले हीरो के बारे में बस एक बात ख्याल रखना, योर हीरो इज योर सेल्फ एस्टीम. Okay, I repeat, your hero is what? Your hero is your self-esteem. Okay, जैसे तुमने बचपन में देखा होगा, let's say Akshay and Nitin are in the same class. Akshay says मैं astronaut बनूंगा, Nitin बोलता है मैं school के बाहर दुकान लगाऊंगा. तो
तो हम लोग नितिन से कहते हैं कि नितिन स्कूल के बाहर क्यों, तुम मॉल में दुकान लगा लेना, यू स्टार्ट योर ओन बिजनेस। तो नितिन बोलता है नहीं, मेरे से उतना तो नहीं हो पाएगा, मैं स्कूल के बाहर ही दुकान लगाऊंगा, है ना, मेरे पापा का या अंकल का दुकान है, वही चलाऊंगा मैं। तो ये डिफरेंस क्यों है? मतलब ऑब्वियसली देयर कैन बी मेनी रीजंस, बट राइट नाउ आवर डिफरेंस इज द डिफरेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम। जब हम लोग खुद को अच्छा एस्टिमेट करते हैं तो हम लोग अपने लिए एक चैलेंजिंग गोल बनाते हैं, ठीक है। लेकिन प्लीज रिमेम्बर, इसमें ना प्रैक्टिकलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यू नो लास्ट टाइम आई ट्राइड रनिंग, तो आई स्टार्टेड टाइमिंग माई सेल्फ, तो आई वॉज ओनली एबल टू रन फॉर 1 मिनट 40 सेकेंड्स। उसके बाद मेरे को लग रहा था कि नाउ माई लेग्स विल नॉट मूव, आई वॉज नॉट जॉगिंग, आई वॉज ट्राइंग टू रन। तो अब ऐसे में इफ आई से कि नहीं, आई विल गो एंड रन फॉर 1 आवर, तो ये हाई सेल्फ एस्टीम नहीं दिखाएगा, ये डिल्यूजन दिखाएगा। तो अगर तुम अपने लाइफ में 50% स्कोर करते हुए आए हो, तो जबरदस्ती हीरो को IITN MITN नहीं बनाना, अपने हीरो को अपने से एक लेवल ऊपर बनाओ, ठीक है। इसीलिए जैसा तुम्हारा लाइफ है, जैसा तुम्हारा परफॉर्मेंस है, उसके हिसाब से योर हीरोज लेवल्स विल वैरी, ओके। एवरीवन विल राइट अकॉर्डिंग टू देमसेल्व्स, ओके। सो आई रिपीट वन थिंग, दैट योर हीरो शोज योर सेल्फ एस्टीम, मेक अ गुड हीरो। आइडियली यू हैव टू चूज अ हीरो हु इज इन अ पॉजिटिव एक्टिव मोड, या फिर अ हीरो थ्रू विच यू कैन शो मोर क्वालिटीज, है ना। जबरदस्ती एज और जेंडर के चक्कर में फालतू चीजें नहीं लिखना, ठीक है। हीरो के बाद वी विल टॉक अबाउट दी सिचुएशन, ओके। सिचुएशन क्या बताता है? सिचुएशन तुम्हारी रीजनिंग एबिलिटी काफी हद तक बताता है विथ अदर क्वालिटीज। लेकिन व्हाई आई एम टेलिंग रीजनिंग एबिलिटी, क्योंकि देखो यहाँ पर ना, सॉरी, हाउ पॉजिटिव यू आर, हाउ नेगेटिव यू आर, वेदर यू आर राइटिंग प्री कंसीव्ड कंटेंट और नॉट, ये चीजें आती है ना। तो देखो क्या होता है कि हम लोग यूजुअली सोचते हैं कि अरे इसने कोचिंग ले लिया, ही विल राइट प्री कंसीव्ड कंटेंट, राइट। बट दैट इज नॉट ट्रू। प्री कंसीव्ड मीन्स व्हेन अकॉर्डिंग टू सम एक्सपीरियंसेस, सम लर्निंग्स, वी आर नॉट सीइंग द थिंग्स क्लियरली, ओके। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक अ सिनेरियो वेयर अमल इज देयर। सो व्हेन अमल वाज इन द 10th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, सॉरी, तो अमल को नई नई प्यूबर्टी आई थी, है ना। जब प्यूबर्टी आता है तो एवरीवन इज वेरी एक्साइटेड। तो फिर क्या होता है कि अमल्स क्लासमेट्स आर टेलिंग हिम कि यू नो अमल, मेक अ गर्लफ्रेंड, मेक अ गर्लफ्रेंड। तो एक दिन अमल सोचता है कि ओके, टुडे आई विल मेक अ गर्लफ्रेंड। सो ही जस्ट लुक्स अराउंड इन हिज क्लास एंड सीज ऑल द गर्ल्स। सो देयर इज वन गर्ल लुकिंग एट अमल। सो अमल थिंक्स यही बनेगी मेरी गर्लफ्रेंड। देन ही पुट सम एफर्ट्स, देन शी बिकम्स हिज गर्लफ्रेंड। बट आफ्टर सम डेज ही कम्स टू नो दैट शी इज चीटिंग ऑन हिम। सो नाउ अमल फील्स वेरी वेरी बैड। सो ही फील्स वेरी बैड, बट ही थिंक्स कि आई नीड टू स्टडी, अदरवाइज दिस ब्रेकअप इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ वट माई फादर विल ब्रेक इन मी, सो आई विल स्टडी। सो अमल स्टार्ट्स फोकसिंग ऑन हिज स्टडीज। देन अमल गोज टू हिज 11th स्टैंडर्ड। ही थिंक्स सारे एग्जाम्स तो 12th में होते हैं, तो मैं अब गर्लफ्रेंड बनाऊंगा, है ना। तो अब अमल बहुत रिसर्च करता है, फिर से गर्लफ्रेंड बनाता है। बट इन 3 मंथ्स शी ऑल्सो चीट्स ऑन हिम। तो अमल फील्स वेरी वेरी बैड। फिर सोचता है कि स्कूल के लोग तो ऐसे ही होते हैं, बच्चे होते हैं, मैं कॉलेज में गर्लफ्रेंड बनाऊंगा। ऐसे फुकरे में है ना वो सरदार जी जिसको कॉलेज वाली गर्लफ्रेंड बनानी है, तो वैसे ही अमल सोचता है कि आई विल मेक अ कॉलेज वाली गर्लफ्रेंड। सो अमल गोज टू हिज कॉलेज फर्स्ट ईयर। ही फाइंड्स अ वेरी नाइस गर्ल, ही गेट्स इन टू अ रिलेशनशिप। बट सम डेज लेटर अमल कम्स टू नो दैट शी ऑल्सो चीटेड ऑन हिम। नाउ अमल फील्स वेरी वेरी बैड। सो अमल के फ्रेंड्स उसको बोलते हैं कि यू नो डोंट फील बैड, दे टेक हिम आउट टू अ पब और समथिंग। सो अमल ड्रिंक्स अ लॉट, ही हैज ड्रंक सो मच दैट ही इज नॉट इवन एबल टू स्टैंड स्टिल, ही इज डांसिंग। बट देन सडनली वन गर्ल कम्स देयर, शी लुक्स एट अमल एंड स्माइल्स। सो इवन दो अमल इज नॉट एबल टू स्टैंड अप, अमल जस्ट टर्न्स अराउंड एंड सेज नो, ऑल रिलेशनशिप्स आर बैड, ऑल रिलेशनशिप्स हैव चीटर्स ओनली, आई विल नॉट डू दिस। नाउ दिस थिंग इज नोन एज प्री कंसीव्ड थिंग, ओके। तो जरूरी नहीं है कि कोचिंग से ही प्री कंसीव्ड स्टोरीज आती हैं। तुम्हारे लाइफ में अगर बहुत अच्छी चीज चल रही हो तो भी प्री कंसीव्ड कंटेंट आने लगता है ना। जैसे मेनी पीपल राइट फॉर दिस पिक्चर फादर स्कोल्डिंग सन,
हो सकता है उनके घर में उनके पापा उनको डांटते हो या उनको अपने पापा से डर लगता हो. सम पीपल राइट दैट दिस बॉय फेल्ड इन द एग्जाम. व्हाई हैव दे फेल्ड हिम इन द एग्जाम? बिकॉज दे माइट बी हैविंग अ फियर ऑफ फेलियर. सम स्टूडेंट्स टेंड टू राइट दैट ही इज कंफ्यूज्ड अबाउट द करियर. व्हाई डू दे राइट ही इज कंफ्यूज्ड अबाउट द करियर? बिकॉज देयर माइंड इज कंफ्यूज्ड अबाउट इट्स ओन डिसीजंस. बट इफ यू रिमेन पेशेंट, इफ यू रिमेन काम एंड इफ यू ऑब्जर्व द पिक्चर प्रॉपरली, स्टार्ट फ्रॉम वन पॉइंट, मूव अ कंप्लीट सर्कल, लुक एट ईच एंड एवरी थिंग, बैकग्राउंड, फोरग्राउंड, एवरी थिंग. सो वी सी दैट देयर इज अ पेंटिंग ऑन द वॉल. देयर इज अ 14 to 16 year old बॉय. ही सीम्स टू बी थिंकिंग समथिंग, है ना? कुछ लोग बोलेंगे मैम ही इज सैड, बट क्लास में वो लोग भी ऐसा ही मुंह बनाकर बैठे रहते हैं, है ना? क्लास अटेंड अक्षय भी बहुत सीरियस है अभी, बट ही इज नॉट सैड आई थिंक. तो दे आर थिंकिंग, है ना? नाउ वी सी दैट देयर इज अ बाउल नियर द बेड, है ना? वेन डू वी कीप अ बाउल नियर द बेड? वेन समवन इज सिक और अनवेल. ओके, इट कुड बी दिस कैरेक्टर और देयर कुड बी अ टर्शरी कैरेक्टर हियर. एंड इफ वी लुक एट हिज बैग, इफ वी लुक एट हिज पॉकेट्स, we will see that he is a doctor. So in reality, I am not talking about perception, apperception. I will explain the difference between perception and apperception to you. But right now, this is only observation. Okay, this is not my perception. Okay, remember this. So we have observed the picture now. So I feel very strongly ki jinka reasoning ability achha nahi hota hai, जिनका इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छा नहीं होता है, उनका परसेप्शन भी अच्छा नहीं होता है. बिकॉज दे आर नॉट एबल टू ऑब्जर्व ओनली. इफ यू विल नॉट बी एबल टू ऑब्जर्व समथिंग, हाउ विल योर परसेप्शन बी गुड, है ना? तो योर सिचुएशन शोज योर रीजनिंग एबिलिटी एज वेल एज सम अदर क्वालिटीज. आफ्टर यू राइट द सिचुएशन, यू हैव टू राइट द स्टेप्स. स्टेप्स इंक्लूड थ्री थिंग्स. ओके, द फर्स्ट थिंग इज इमोशंस. The second thing is thoughts. The third thing is actions. तो तुम अपने steps में क्या क्या चीजें add करोगे? Your emotions, thoughts and actions. जबरदस्ती robotic steps नहीं बना देना है, जबरदस्ती बहुत emotions भी नहीं डाल देना है. You have to write it in a practical and a genuine manner. Okay? और steps के बाद जो fourth चीज आती है वो होती है completion. Like I told you some time back कि तुम लोग completion में सेल्फ ग्रेटिफिकेशन कभी नहीं लिखोगे. सो नो सेल्फ ग्रेटिफिकेशन हियर. ओके, हैव यू अंडरस्टूड द फोर स्टेप्स ऑफ द स्टोरी? सो नाउ आई विल राइट अ सैंपल स्टोरी फॉर दिस पिक्चर. तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि दिस इज एन आइडियल स्टोरी और समथिंग. दिस इज नॉट एन आइडियल स्टोरी. दिस इज व्हाट आई एम मेकिंग आउट ऑफ इट. मेनी ऑफ यू हैव सीन more world, more sports than me, तो maybe you can write better content. तो जबरदस्ती copy नहीं करना. You think according to your own mind, ठीक है? समझ में आ रहा है? Bore तो नहीं हो रहे हो? So सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? Hero के बारे में लिखेंगे. Obviously in your SSB you will write in paragraph. Right now I am not writing in paragraph. I am not writing in paragraph. Rather I will be doing the corrections. सो दैट तुम लोग खुद से भी खुद को करेक्ट कर पाओ. ठीक है? सो सबसे पहले क्या करना है? हीरो के बारे में लिखना है. तो फिर देखो, हमेशा एक चीज याद रखना, इंटेलिजेंस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जिसको एक्यूरेसी कहते हैं. एक्यूरेसी का मतलब होता है, अक्षय मेरे से पूछता है कि मैम मॉल कहाँ है, आई से मॉल पास में है. दिस इज नॉट एक्यूरेट. ओके, व्हेन आई से 10 kilometers नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, तो वो थोड़ा एक्यूरेट होता है. ठीक है? तो जब हम लोग अच्छे से डिटेल्स ऐड करते हैं तो हमारा कंटेंट एक्यूरेट होता है. तो ये तुम लोग ओरल कम्युनिकेशन में भी याद रखना, ये तुम लोग रिटन कम्युनिकेशन में भी याद रखना. ठीक है? ऑलवेज रिमेम्बर दिस, गिव डिटेल्स. अगर किसी को डायरी लिखने की आदत है तो वो लोग ऐसे डिटेल्स ऐड करना स्टार्ट कर सकते हैं. डायरी लिखने की आदत नहीं है, अपने फ्रेंड से अपने दिन भर के बारे में भी बात करने की आदत है, तो उनसे भी बात करते टाइम एक्यूरेसी घुसाना स्टार्ट कर दो उसमें, है ना? इंस्टेड ऑफ टेलिंग कि मैं मार्केट गया था या गई थी, यू टेल कौन से मार्केट गए थे, कितने देर के लिए गए थे, कैसी चीजें थी वहां पर, बड़ा था छोटा था, टाइम क्या था. यू टेल विद डिटेल्स. ठीक है? मम्मी
ठीक है. सो सबसे पहले व्हाट आर वी डूइंग, वी आर राइटिंग अबाउट हीरो. तो आई एम टेकिंग अ सैम्पल थीम, बट इफ आई वाज राइटिंग अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ आई वुड हैव नॉट रिटन दिस थीम. ठीक है, तो वी विल टेक अ हीरो अक्षय. सो लेट्स से अक्षय 16, स्पोर्ट्स टीम मेंबर. ओके, ऐसे लिख दिया, काफी लोग ऐसे ही लिख देते हैं स्पोर्ट्स टीम मेंबर. लेकिन अब तुम क्या करो कि तुम इसमें डिटेल्स ऐड करना स्टार्ट करो. ठीक है, तो अब आई एम गोइंग टू करेक्ट फ्रॉम अ डिफरेंट इंक, आई एम गोइंग टू करेक्ट फ्रॉम दी ब्लू इंक, एंड आई एम डूइंग दिस करेक्शन सो दैट तुम लोग खुद से भी खुद को करेक्ट कर पाओ. ठीक है, तो अक्षय 16 अब हम लोग स्पेसिफाई कर देते हैं कौन सा स्पोर्ट्स, लेट से फुटबॉल. ठीक है, टीम मेंबर में क्या पोजिशन है, लेट से ही इज द कैप्टन. ठीक है, ऑफ हिज स्कूल. देखो अब तुम चाहे स्कूल कॉलेज का नाम लिखो ना लिखो, लेकिन ये रोल जरूर लिखना है तुम्हें. ठीक है, अगर स्कूल का नाम लिखते हो तो वेरी गुड, वो छूट भी गया तो कोई बात नहीं, लेकिन तुमको रोल आइडियली लिखना चाहिए. ठीक है, बेसिकली कोई ना कोई डिटेल जरूर ऐड करो अपने हीरो के बारे में. अब अगर स्कूल का नाम ऐड करना चाहो तो स्कूल का भी नाम ऐड कर दो, जैसे कि लेट से गुलमोहर हाई स्कूल, लेट से बरेली फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, हीरो को ऐड कर दिया. देखो नाउ देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ इंट्रोड्यूसिंग योर हीरो ऑल्सो, सो यू कैन ऐड सम इमोशंस टू टेल मोर थिंग्स अबाउट योर हीरो. ठीक है, जैसे अब हम लोगों का हीरो को हम लोगों ने फुटबॉल वाला बना दिया है, तो हीरो को कुछ टास्क भी दे देते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट से वाज गोइंग टू अटेंड इंटर स्कूल फुटबॉल चैंपियन. ठीक है, तो इसमें भी मैंने कुछ कुछ डिटेल्स छोड़ दिए हैं विच आई विल करेक्ट नाउ. ओके, फॉर एग्जाम्पल चलो अटेंड को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं वॉज गोइंग टू लीड हिज टीम. ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबल हो गया, गोइंग को भी चेंज कर देते हैं, वॉज एक्साइटेड टू लीड हिज टीम कर देते हैं. नाउ आवर हीरो इज लाइवली एंड ऑप्टिमिस्टिक ऑल्सो. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दीज लिटिल थिंग्स, आ रहा है समझ. फिर अब क्या करते हैं, इसमें टाइम भी ऐड कर देते हैं, जैसे इन 10 days. ठीक है, हैव यू अंडरस्टूड हाउ आई हैव एडेड, हीरो को कैसे इंट्रोड्यूस करोगे, समझ में आ गया. अब हम लोग क्या करेंगे, हीरो को तो बता दिया, हीरो के बाद वी विल इंट्रोड्यूस आवर सिचुएशन. देखो शुरू में ब्रेक कर कर क्या फायदा है, कि अगर तुम्हें गलती से लगे कि अरे मैंने ये मिस कर दिया तो तुम ऐड कर दोगे. व्हेन यू हैव एडेड थिंग्स इन टू स्टोरीज यू विल नॉट फॉरगेट इट इन योर थर्ड स्टोरी, यू विल नो कि तुमको थर्ड स्टोरी में क्या करना है ना. काफी लोग होते हैं जो खुद से खुद को करेक्ट ही नहीं करते, दे आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन समवन एल्स. किसी किसी को ये अच्छा लगता है, मेरे को ये अच्छा नहीं लगता. यू ऑल्सो हैव टू डू सर्टेन थिंग्स योर सेल्फ. कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग स्टोरीज लिखकर भेजेंगे और वो लोग स्टोरी में हीरो को बहुत ही खराब बनाएंगे, एंड देन आई थिंक कि इनको तो मतलब हफ्ते में 5 दिन आई हैव टोल्ड कि हीरो को अच्छा बनाना है, फिर भी ये लोग ऐसा ही लिख रहे हैं. तो ये नहीं करो, थोड़ा खुद से खुद को करेक्ट करने की आदत भी डालो, है ना. आफ्टर दिस सिचुएशन टेल अबाउट द हीरो सिचुएशन. तो अब हम लोगों का पिक्चर में तो एक प्रॉब्लम है, डॉक्टर बच्चे को देख रहा है, तो अब हम लोगों को बच्चे को चोट पहुंचाना पड़ेगा, है ना. तो लेट से नाउ वी विल गिव एन इंजरी टू आवर चाइल्ड. ओके, लेट से व्हेन ही गॉट इंजर्ड. ठीक है, तो व्हेन ही गॉट इंजर्ड करके सिचुएशन बता दिया. सिचुएशन में व्हाट व्हाई व्हेन हाउ वेयर हु ऐड करने की कोशिश करो. ठीक है, सो दैट इट गिव्स अ कंप्लीट सेंस. तो चलो अब हम लोग डिटेल्स ऐड कर देते हैं, तो व्हेन के जगह ऐड कर देते हैं कि ड्यूरिंग अ प्रैक्टिस मैच या ड्यूरिंग सेमीफाइनल्स और समथिंग, जो भी तुम्हारी मर्जी हो ऐड कर दो. ठीक है, व्हेन ही गॉट इंजर्ड डूइंग व्हाट, लाइक लेट से ट्राइंग टू स्टॉप अ गोल और ट्राइंग टू डू अ गोल. ठीक है, ही गॉट इंजरी को भी स्पेसिफाई कर देते हैं, अ स्प्रेन इन हिज लेफ्ट एंकल. ठीक है, अभी तुम लोगों को समझ में आया कैसे डिटेल ऐड कर दिया. ठीक है, तो जितने डिटेल्स हो सके तुम लोगों को डिटेल्स इसमें ऐड करने हैं.
Have you understood this? Amal, did you understand? You understood? So we have told the hero properly. We have told the situation properly. Now we got to tell the steps. तो तुम लोगों को मैंने दो चीजें बताई कि स्टोरीज में ध्यान रखना कि हीरो गोल ओरिएंटेड रहे, हीरो रिस्पॉन्सिबल रहे. हमारा हीरो जो है वो पहले से ही गोल ओरिएंटेड है, राइट? अब हम लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी पे फोकस करना है, ठीक है? तो हमारा हीरो सबसे पहले क्या है? कैप्टन है. देखो, आई विल टेल यू सम इंसिडेंट्स. तुम लोगों को भी अगर अपनी लीडरशिप क्वालिटीज ज्यादा डेवलप करनी है तो डू नॉट रीड सेल्फ हेल्प बुक्स, rather read biographies or watch biographies. Okay, I repeat, read biographies or watch biographies, because that will actually help you in getting most of the knowledge. Okay, to dekho, ab hamara hero captain hai, captain ko chot lag gayi hai, theek hai? To now what will your hero do? You have to think like this. Now what will your hero do when he is a person who is having some responsibility and he is injured? ठीक है, तो कुछ चीजें जैसे तुम लोग अपने घर से भी सीख सकते हो. जैसे तुम अपने घर में एक बहुत ही कॉमन चीज देखोगे, आई थिंक ये सबके घर में होता होगा. राजू, आई विल शो यू द पिक्चर, डोंट वरी. राइट नाउ फोकस ऑन द बॉडी ऑफ द स्टोरी. सो आई वाज टेलिंग कि ये तुम लोग सब लोगों के घर पे होता होगा कि तुम्हारी मम्मी कुकर में दाल डालती होगी या पोटेटोज डालती होगी, फिर वो या तो नहाने चली जाती होगी या किसी का फोन आ जाता होगा, कोई गेस्ट आ जाता होगा, तो फिर तुम्हारी मम्मी उस टाइम पर तुम्हें क्या कहती है कि 3 सीटी लगेगा तो कुकर बंद कर देना. आई थिंक दिस इज समथिंग दैट हैपेंस इन अ लॉट ऑफ पीपल्स हाउसेस, राइट? तो बताओ मम्मी ने कौन सी लीडरशिप क्वालिटी दिखाई है? ये तुम लोग SRTs में भी याद रखना, लाइफ में भी यू कैन रिमेम्बर दिस. कौन सी लीडरशिप क्वालिटी दिखाई मम्मी ने? शी हैज शोड द डेलीगेशन ऑफ द टास्क, ठीक है? तो अब देखो, हम लोगों के हीरो का टूर्नामेंट है, हीरो इंजर्ड हो गया है, तो हीरो क्या करेगा? हीरो वाइस कैप्टन को बुलाएगा, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा और फिर उसको एनकरेज करेगा एंड ही विल आस्क हिम टू लुक आफ्टर द टीम फॉर सम टाइम, ठीक है? ये होता है, ये सबके साथ होता है. तुम लोगों में से कोई अगर कैप्टन होकर इंजर्ड हुआ होगा तो तुमने भी ऐसा कोई काम किया होगा, है ना? अब क्या होगा कि अब हीरो सिक रूम जाएगा, सिक रूम में वो डॉक्टर से मिलेगा. अब हमारा हीरो डॉक्टर से क्या कहेगा, है ना? तो इसके लिए भी ज्यादातर लोग लिखते हैं कि मेडिसिन मांगेगा, वरीड है एंड ऑल, ऐसी चीजें लिखते हैं. बट सी, देयर इज वन इंसिडेंट एंड दिस इज समथिंग दैट आई हैव सीन इन SSB स्टूडेंट्स ऑल्सो. सो देयर इज वन इंसिडेंट वेयर द बोलर हु इज नोन एज रावलपिंडी एक्सप्रेस, सो ही वॉज डूइंग अ बोलिंग and Navjot Singh Sidhu was on the runner's side, Sachin Tendulkar was on the batsman's side, and then what happened, he did a bouncer and that ball went and hit Sachin's nose, hai na? Sachin fell down, par Sachin fir uthkar kya bola? Navjot Singh Sidhu was thinking bacche ka career khatam ho gaya, but Sachin got up and said main khelega, theek hai? To tumhara hero doctor ko kya kahega ki main pareshan hu? Nahi. Your hero will tell doctor about the injury and he will insist that he wants to play, hai na? Have you understood this thing? To tumhara hero doctor se kya kahega, mujhe khelna hai. So this is something that I have seen in some students also. Kabhi kabhi na kuch kuch logo ko jab GTO ground pe chot lag jati thi and hum log unko doctor ke paas lekar jate the, to na 99% students yahi bolte hain hamari SSB hai, hum kaise perform karenge. लेकिन वो लोग स्टोरीज में कुछ और लिख देते हैं, है ना? सो यू राइट इन दिस मैनर. अब क्या होगा कि डॉक्टर विल टेल कि अरे ये तो माइनर स्प्रेन है, यू विल गेट फाइन इन 3 डेज. देखो, इस पिक्चर में फ्रैक्चर नहीं है, पर अगर किसी पिक्चर में फ्रैक्चर रहेगा तो तुम क्या करोगे? तुम प्रॉब्लम के ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हो, इन अ मंथ कर सकते हो, इन 2 मंथ्स कर सकते हो, ठीक है? इंस्टेड ऑफ मेकिंग हिम अ पैसिव कैरेक्टर. अब अगर मान लो पिक्चर में पैसिव बैठा है तो अलग बात है, लेकिन तुम पैसिव कैरेक्टर को कभी हीरो बनाओगे नहीं. यू विल ऑलवेज मेक एक्टिव कैरेक्टर्स योर हीरो, ठीक है? तो डॉक्टर उसको बोलेगा कि तुम 3 दिन में ठीक हो जाओगे. अब हमारा हीरो क्या करेगा बताओ? जैसे मान लो कि तुम किसी स्कूल में जाते हो, तुम जब स्कूल में जाते हो तो अचानक से क्या होता है
कि स्कूल का फैन खराब हो जाता है। फैन तो बहुत छोटी चीज हो गई, मान लो कहीं पर बहुत ही खराब कुछ भी हो गया और फिर इसकी वजह से स्कूल को 2 दिन के लिए बंद करना होगा। तो वो प्रिंसिपल बच्चों को क्या इन्फॉर्म करते थे, बच्चों हम लोगों की स्कूल डायरी में लिख देते थे ना, द स्कूल विल रीओपन आफ्टर 2 डेज और 3 डेज। तो अब तुम्हारा हीरो क्या करेगा, वो या तो कोच को कॉल करेगा या वाइस कैप्टन को कॉल करेगा और वो इश्योर करेगा कि आई विल गेट फाइन इन 2-3 डेज एंड आई विल कम बैक। हैव यू अंडरस्टूड दिस? कुछ लोग हीरो को कैप्टन बनाकर सिर्फ रेस्ट करने के बारे में ही स्टोरी लिखते हैं, तो फिर तुमने कुछ किया ही नहीं अपने टीम के लिए अपनी स्टोरी में, है ना? देखो अब तुम्हें क्या करना चाहिए कि जब तुम इम्पोर्टेंट एक्शंस कर रहे होते हो, शुरू में इनिशिएटिव ये सब ले रहे होते हो, तो ही या शी के टर्म्स में लिखो। बाद में क्या किया करो, 2-3 एक्शंस के बाद टीम को ऐड कर टीम वर्क में दे दे कर कर लिखा करो। सो इनिशिएटिव खुद से लो, प्लान खुद से करो, फिर लोगों को इंक्लूड कर टीम वर्क कर लो। हैव यू अंडरस्टूड दिस? जैसे आइडिया तुमने खुद से बनाया, फिर तुमने लोगों को इंक्लूड करके टीम वर्क कर लिया, ठीक है? फिर लिखो कि ही रेस्टेड फॉर 3 डेज एंड हाँ सूरज, यू कैन सी द टीम, यू कैन रेस्ट, यू कैन ईट ड्राई फ्रूट्स, जो मर्जी तुम्हारी करो। तुम चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो कि हिज टीम मेंबर्स केम टू विजिट हिम, ही फेल्ट हैप्पी या ही फेल्ट ग्रेटफुल। जब हम लोग दूसरों की तरफ हैप्पी फील कर रहे होते हैं तो भी वो हमारी अडेप्टेबिलिटी दिखाता है। फिर अगर मान लो मेरे फ्रेंड्स मेरे को देखने आ रहे होते हैं तो भी वो दिखाता है कि आई एम अ फ्रेंडली पर्सन, है ना? क्योंकि आई हैव ऑब्जर्व्ड वन थिंग इन पीपल कि जो लोग बहुत कंप्लेन करते हैं ना कि हम लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं पर वो हमारे लिए कुछ नहीं करते, उसमें से 70% लोग ऐसे होते हैं जो एक्चुअली लोगों के लिए कुछ करना बंद कर देते हैं, है ना? मेरा एक स्टूडेंट भी था बहुत ही शुरू में, व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग, तो प्रोबेबली ही वाज इन द फर्स्ट और सेकेंड मंथ ओनली। तो फिर ना आई स्टार्टेड टॉकिंग अलॉट टू हिम, तो वो मेरा फ्रेंड के जैसा बन गया। तो समटाइम्स व्हेन ही विल हैव सम इश्यूज विद हिज गर्लफ्रेंड, तो वो मेरे को कॉल करके बोलता था कि मैम उसने ऐसे बोल दिया, तो आई विल कॉल दैट गर्ल। तो एक दिन ना मतलब आई वाज सिक एंड अगले दिन आई कॉल्ड दैट गर्ल एंड आई वाज टेलिंग कि क्या हो गया एंड ऑल। तो फिर उसने मेरे को ऐसे बोल दिया कि मैम आप मुझे तो कभी कॉल नहीं करते हो, जब वो बोलता है तो ही आप मेरे को कॉल करते हो। तो आई आस्क्ड हर अ पोलाइट क्वेश्चन कि बट व्हेन यू आल्सो नो कि आई एम हैविंग सम प्रॉब्लम, तो तुम मेरे को कभी मैसेजेस करती हो? नहीं करती हो, बट ही डज, तो ऑब्वियसली हु विल आई हैव अ बॉन्ड विद, समवन हु इज डूइंग इट फॉर मी, राइट? तो क्या होता है काफी बार कि यूजुअली तुम देखोगे कि उन्हीं के फ्रेंड्स होते हैं जो खुद से भी एफर्ट्स कर रहे होते हैं। काफी बार हम लोग ऐसा कहते तो हैं कि हमने लोगों के लिए इतना किया, बट बाद में वी स्टॉप डूइंग थिंग्स एंड वी आर ओनली थिंकिंग कि पीपल आर नॉट लाइकिंग अस। तो तुम लोगों को अपनी स्टोरीज में दूसरों की बुराई नहीं करनी चाहिए, दूसरों की तारीफ करनी चाहिए हमेशा। इफ यू विल से गुड अबाउट अदर्स, इट विल शो गुड अबाउट यू, ओके? इफ आई से आई कम टू द क्लास एंड आई सॉ इरिटेटिंग फेसेस, व्हाट डज इट टेल अबाउट मी? दैट आई एम नॉन अडेप्टेबल, आई एम इंटाइटल्ड। इफ आई से आई कम टू द क्लास आई सी अ लॉट ऑफ फ्रेंडली एंड हैप्पी फेसेस, इट मीन्स आई एम अ लाइवली पर्सन, आई एम अ पॉजिटिव पर्सन, राइट? तो दूसरों की तारीफ करना स्टोरीज में, कभी किसी की बुराई नहीं करना, है ना? फिर सब रेस्ट ये सब हो गया, फिर ही विल गो बैक टू द प्रैक्टिस, देन यू राइट कि हाउ आर दे प्रैक्टिसिंग फॉर द रिमेनिंग डेज। प्रैक्टिस के बारे में बता दो कि गिव देयर बेस्ट या जो भी स्टेप्स ऐड करना है, देन यू राइट कि दे विल डिसाइड द फाइनल स्ट्रैटेजी एंड फाइनल पोजिशंस, ठीक है? ये डिसाइड कर लो। फिर ऑन द डे ऑफ द टूर्नामेंट, व्हेन द टूर्नामेंट विल हैपन, व्हाट डू वी टेंड टू डू यूजुअली? वी टेंड टू टेक ब्लेसिंग्स फ्रॉम गॉड और आवर पेरेंट्स और फ्रॉम कोच। इफ यू विश यू कैन ऐड दीज थिंग्स ऑल्सो, देर इज नो कंपल्शन। सो ऑन द डे ऑफ द टूर्नामेंट दे विल टेक द ब्लेसिंग्स ऑफ द कोच एंड यू राइट दैट दे विल परफॉर्म देयर बेस्ट। नाउ टेल मी द डिफरेंस बिटवीन एवरीवन प्लेड देयर बेस्ट और हीरो प्लेड हिज बेस्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? हु विल यू लाइक मोर, द पर्सन हु इज टेलिंग दैट एवरीवन इज परफॉर्मिंग देयर बेस्ट, है ना? सो यू ऑलवेज टेल अबाउट, नहीं नहीं सेल्फ सेंटर्ड क्यों तुम लोग लिख रहे हो? एवरीवन विल परफॉर्म देयर बेस्ट ना,
जब भी कोई टूर्नामेंट जीतता है तो सिर्फ कैप्टन ही सबसे अच्छा थोड़ी ना करता है. आई डोंट वॉच टू मच क्रिकेट और स्टफ, बट व्हेन आई वाज लिटिल तो आई यूज्ड टू आस्क माय मदर कि सचिन अच्छा खेलता है तो वो अच्छा कैप्टन क्यों नहीं है, वो इंडिया का कैप्टन क्यों नहीं है, व्हाई इज समवन एल्स अ कैप्टन. तो जरूरी नहीं होता हमेशा कि अच्छा प्लेयर और अच्छा कैप्टन सेम ही हो, है ना. सो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट दैट द मोस्ट एफिशियंट पीपल आर ऑल्सो गुड लीडर्स. सो फोकस ऑन कलेक्टिविटी, ठीक है. सो व्हाट विल यू राइट? दैट एवरीबडी परफॉर्म देयर बेस्ट एंड दे वॉन द मैच. इफ यू विश यू कैन एड अदर थिंग्स ऑल्सो, ठीक है. वॉन द मैच लिख लिया, अब कंप्लीशन लिखेंगे जो हमारा लास्ट स्टेप है. लाइक आई टोल्ड, नो सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, नो वन विल राइट दैट द हीरो वॉन द मैन ऑफ द मैच एंड एवरीथिंग. सो कंप्लीट द स्टोरी अगेन विथ अ फीलिंग ऑफ कलेक्टिविटी दैट दे वर थैंकफुल टू द कोच, दे सेलिब्रेटेड विथ ईच अदर और दे वर हैप्पी दैट द ट्रॉफी केम टू द स्कूल इटसेल्फ. ओके, हैव यू अंडरस्टूड द बॉडी ऑफ द स्टोरी? आई हैव ब्रोकन इट डाउन. दिस इज नॉट द मोस्ट आइडियल थीम. नाउ वी विल डिस्कस सम अदर थीम्स ऑल्सो. दिस वॉज द पिक्चर जो नहीं देख पाए थे, तो थोड़ा तुम लोग बिना टाइम के प्रैक्टिस करो, बिकॉज यू हैव टू रिमेम्बर यू कैन ओनली डेवलप योर सबकॉन्शियस बाई वर्किंग ऑन योर सेल्फ कॉन्शियसली. तुम्हें लगता है तुमने क्लास अटेंड कर लिया तुम्हारी स्टोरीज अच्छी हो जाएंगी, तो दैट्स नॉट राइट. ठीक है, तुमको थोड़ा एफर्ट्स करना होगा. ऑल्सो रिमेंबर वन थिंग, इफ यू आर एबल टू राइट गुड विदाउट टाइम देन दैट मीन्स यू हैव द क्वालिटीज. ऑलवेज रिमेंबर, इफ यू राइट गुड विदाउट टाइम एंड बैड इन टाइम, दैट ओनली मीन्स दैट यू कांट हैंडल प्रेशर. सो वर्क ऑन योर प्रेशर हैंडलिंग केपेबिलिटी. बट अगर तुम बिना टाइम के भी खराब कंटेंट लिख रहे हो तो तुमको ज्यादा क्वालिटीज डेवलप करने की जरूरत है. ठीक है,